दो नहीं कर पाते हो तो एक करो, लेकिन अपना ओरिजिनल करो और अच्छी वीडियो अपलोड करो और सही टाइम पे अपलोड करो। टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि देखो, अब आप तो सोचो कि आपका भी एक खाने का, सोने का, लगने का एक टाइम होता है, राइट। काफी लोग यही मिस्टेक करते हैं कि कभी भी कुछ भी उठा के डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। जिस तरीके से हमारा टाइम होता है उसी तरीके से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस के एक्टिव होने का टाइम होता है, तो आपको थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ेगा अलग अलग डे अलग अलग टाइम पे वीडियोस को अपलोड करके। जिस दिन ज्यादा व्यूज आते हैं उस दिन से आपको कंटिन्यू उसी पे अपलोड करना है। तो सर ये जो रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं वो वीडियो हटा दें क्या जिनमें मतलब कॉपीराइट आ रहा है? डेफिनेटली उसको तो आपको हटा देना पहले ही चाहिए था। जी जी जी, आप लोग यही गलती करते हो। फेसबुक भी समझ जाता है कि बस आप ऐसे हो, आप केयर नहीं कर रहे हो। एक्चुअली क्या था, बच्चे का, अपनी बेटी का मतलब वीडियो मैंने इसे शूट किया था मोबाइल से, वही डाल दिया तो थर्ड पार्टी से रिकॉर्ड होगा आपके उस वीडियो में, राइट। हाँ, तो उससे कॉपीराइट आ जाता है। मैंने आपको जो बताया, आप अपना एक नया पेज बना लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जी जी, पेज बनाने के लिए क्या करना होगा? प्रोफाइल से ही, आपका जो प्रोफाइल है ना उसी से आप पेज को बना लोगे। पेज कैसे बनाना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डाउन अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हो। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 से 4 मिनट के अंदर आप पेज को बना लोगे। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेज देखो, हर एप्लीकेशन का अलग अलग यूज है, राइट। फेसबुक क्यों बनाया गया था? फेसबुक एक नॉर्मली चैटिंग के लिए, पोस्ट वगैरह शेयर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन पेज जो है वो डिफरेंट है। पेज पे आपको ज्यादा बूस्ट मिलती है। एक्चुअली सर एक पेज मैंने बनाया था, लेकिन वो मेरा, जिससे मैं राइटिंग करता हूँ, स्टोरी राइटिंग वगैरह, फिल्म राइटिंग वगैरह। अच्छा, तो उसमें मैं मतलब जो लिटरेचर वाली मतलब कविताएं होती थी वो मैंने उसमें डाल के रखी है, तो उसमें मेरे 130 फॉलोवर हैं। और वो पेज वैसा नहीं है जिससे उसमें वीडियो डालूं या कुछ करूं, वैसा मैंने कुछ किया नहीं। वो एक नया बना लो, उसमें कैटेगरी वगैरह अच्छे से सिलेक्ट कर लो कि आपको जल्दी बूस्ट मिलेगा। और अभी फेसबुक आपको देखो, नया अकाउंट रहता है ना तो फेसबुक उसको बूस्ट देता है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे सर वीडियो डाले एक तो अभी 1-2 दिन में, तो क्या इनको उसमें डाला जा सके फिर से? हाँ, जैसे मैंने नया पेज बनाया और इसके बाद मेरे पुराने वीडियो उसमें ट्रांसफर किए जा सकते हैं या शेयर किए जा सकते हैं? अपने पेज नहीं करना है, तो आप अपने पेज कर रहे हैं कि अपने प्रोफाइल में भी वही अपलोड कर दिया, पेज पे भी वही अपलोड कर दिया, फेसबुक तुरंत पकड़ लेता है कि ये वीडियो तो यार हर जगह पोस्ट कर रहा है, तो ये चीज नहीं करना। हाँ, आपको सर नॉट गिवन, मतलब केवल नया उसमें फ्रेश फ्रेश डालने हैं जो भी नया आपको करना है। हाँ, आपको फ्रेश डालना है, फ्रेश बिल्कुल। बाकी जगेश्वर जी, मैं और को भी मुझे ज्वाइन कर लेने दीजिए, बाकी मैं आपसे मिलते रहेंगे। ओके, बिल्कुल सर, थैंक यू। हाँ बेटा, बात कर रहे हैं अंकल से। बट ये रिमूव नहीं, रिमूव का ऑप्शन इसमें नहीं सो रहा। एक्चुअली मैं ये आईफोन में ना लाइव किया हूँ, तो आप अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए तो प्लीज। ओके सर। ओके, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ। शमशीर जी, क्या हो गया आपको? आप इतने परेशान क्यों हो? मैं नॉट रिकमेंडेबल। पंकज, मैंने अभी बताया अपने वीडियो में कि नॉट रिकमेंडेबल है, तो आप सारे ओल्ड कंटेंट रिमूव कर दो, देन आप खुद मेहनत करो और अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू करो। फेसबुक को भी लगेगा कि बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट दिखेंगे तो ऑटोमेटिक फेसबुक आपके प्रोफाइल या फिर पेज को रिकमेंड करने लगता है। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही यही सलूशन है। कहाँ गए फौजी जी? फौजी जी, मैंने आपको टाइम दिया था क्योंकि मैं फेसबुक पे अभी नहीं आ रहा हूँ लाइव, आप पता नहीं क्या यहाँ चले गए। मैंने आपको लिंक भी भेजा था।